साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण और विचार पूर्वक है प्रारंभ करो जारी रखो। साई वाणी, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। जब ये भजन सुनते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के विचार साई वाणी की तरफ मुड़ जाते हैं। और पता है आपको श्रद्धा और सबूरी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा है ना, शुरू में हम किसी चीज को आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं और उसको बार बार करते हैं ना तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं ना तो थोड़ा बहुत कुछ अगर उछल पुछल हो गई ना तो हमारी श्रद्धा भटक जाती है, वो श्रद्धा ही नहीं। सबूरी के माध्यम से श्रद्धा रखी जाए और सत्य मार्ग पर श्रद्धा रखी जाए तो आप अंतिमतः विजय होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। आज की साई वाणी की सबसे महत्वपूर्ण पंचसूत्री ये है कि आप अपने जीवन में श्रद्धा को पहले तराशो। देखो, जीवन में बहुत सारी बातें करने लायक हैं। जब भी 100 कौरवों की बात करते हैं और 5 पांडव जीतते हैं, ये हमारे कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। जब बुरे विचारों को हमें हरा के अच्छे विचारों को जीताना पड़ता है और जब नीति का मार्ग हम इस्तेमाल करते हैं, शुरू शुरू में कुछ चीज़ों को जो मीठी लगती है, प्यारी लगती है, उनको आत्मसात करने के लिए इंद्रियों के पीछे भागेंगे तो हम थक जाएंगे। और बहुत सारे लोग मैंने देखा अपने जीवन में जब अपनी खुद की तपश्चर्या को सही तरीके से नहीं जीते, अगर कहीं गलत मार्ग से जाने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कुछ चंद दिनों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं होगा। और सत्य के साथ अगर वो नहीं चलेंगे, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्वतिर्भौम। अपने 100 बच्चों के लिए धृतराष्ट्र जब अंधा था और उन्होंने अपने संजयस्वीय सहायक और अपने इस सचिव को पूछा कि क्या हो रहा है वहां, और सचिव ने आखिरी में जो आखिरी श्लोक में कहा, जहां भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है जो नीति के मार्ग पर चलता है, गुरुदेव वहां उनका विजय निश्चित है, ये बात मुझे सामने से दिख रही है। अगर हमारे जीवन में हम माँ बाप के गर्भ, माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं और उसके बाद जब हम इस धरती पर मनुष्य योनि में पैदा होते हैं और जब शुरू के हमारे 10-15 साल जब पढ़ने में चले जाएंगे 20 साल तक और उसके आगे जिंदगी शुरू करते हैं, उस समय हमारे जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है और हमें क्या करना है, हमें कौन से मार्ग से चलना है। सुख शांति समृद्धि और परमात्मा को पाने का जो मार्ग होता है, हर 20 साल के लड़के को परमात्मा को नहीं पाना है, लेकिन जो वो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसी में ही उसकी सच्चाई है, उसी में ही उसकी भलाई है। एक बार एक महान योद्धा एक फकीर के पास गया और उसने कहा कि मैं एक आपका नाम बहुत सालों से सुन रहा हूँ, मुझे मेरे पास मैं योद्धा हूँ, मैंने बहुत संपत्ति कमाई है, मेरे पास ऐश्वर्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, और मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं नरक में जाऊँगा। तो वो भगवान जो जिस फकीर थे वो शांत रहते और उसको कहते, तुझे किसने कहा तू महान है, तुझे तो तलवार ठीक से पकड़नी भी नहीं, तो उसको गुस्सा आता है और तुरंत गुस्सा तलवार निकाल के उनके ऊपर करता, देख बोलते ये है ना, ये जो तू कर रहा है ना मेरे साथ, ये तेरा नरक है। तो थोड़ा शांत हो जा। थोड़े समय के बाद बोलते आप 8 दिन के बाद वापस आना, और 8 दिन के बाद आने के बाद वो पहले शांतता से पहले गुरु को नमस्कार करता है। वो गुरु उसको कहते, देख ये तेरा स्वर्ग। आपको एक बात सच कहूं, यही भगवान कहने ना स्वर्ग परमात्मा आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। कोई किसी ने अभी आज तक स्वर्ग नहीं देखा है, जो वहां जहाँ रहता है समृद्धि के साथ रहता है वही स्वर्ग है, लेकिन उसकी श्रद्धा एक सही जगह पे होनी चाहिए। और साईं बाबा के शिरडी में आप कभी भी जाओ, आपको समझ में आएगा श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक परमात्मा ही मालिक है।
और जीवन में जीने का ये जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा शरीर हमारा कुरुक्षेत्र है, उसको पाने का लक्ष्य होता है जीवन। कुछ ऐसी चीजें आई जीवन में, उनको पाना बहुत जरूरी है। हतोवा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्षसि महीम तस्माद् उत्कृष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हम ऐसा क्यों कहते हैं? या अत्र शूर महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युविधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ये भूमिका क्यों कहते हैं? सबका साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साई बाबा ने अपने जीवन में इस धरती पर, आप देखिए, हजारों करोड़ों के समाज के प्रकार के लोग रहते हैं, हमने समाज में बांटा है। खून तो सबका लाल है, मानवता ही धर्म है, इंसानियत ही भूमिका होनी चाहिए, इंसानियत ही जात होनी चाहिए। आपको पता है ये बंटवारा करने से क्या होता है? कोई 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 नहीं, कुछ नहीं भाई। हम लोग आपस में झड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पैसे का नुकसान करते हैं। आज रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है? कुछ चंद लोग उसमें अमीर हो रहे हैं, बाकी हजारों करोड़ों गरीब हो रहे हैं। अरे मार रहे हो आप उनको, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों इतनी कटुता फैली है? इसीलिए महाराष्ट्र के नहीं कहूंगा मैं, पूरे विश्व के हुए वो, क्योंकि उन्होंने पसायदान लिखा और उसमें कहा, आता विश्वात्म के देवे इने वागे में तो शावे तो शो नी मदुद्यावे पसायदान। जे खांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्री दिवाड़ो। ऐसी इतनी सुंदर वाणी पसायदान ने संत ज्ञानेश्वर जी। उसी प्रकार शिरडी के साई बाबा ने हर भक्त के लिए एक भाग दिया, गुरु मंत्र दिया, और वो गुरु मंत्र है प्रारंभ करो चलो सबका, विचारधारा है श्रद्धा सबो, सबका मालिक है परमात्मा एक ही है। आज की जो महत्वपूर्ण विचार सरणी में मैं 5 सूत्र आपको कहूंगा। पहला सूत्र है, अपने जीवन के प्रति सजग रहो। ये मैं सजगता के ऊपर इसलिए बोलना चाहता, पता है आपको, जब आपको पता होता है ना कैसी चीज होने वाली है, अगर किसी को पता है ना एक खून करने से जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और उसने सिर्फ ऐसा करना, चलो मैं खून करता हूं लेकिन उसके पहले ना मैं 1 महीना जेल में रहता हूं, मैं करने से पहले, करने के बाद में लिख के देता हूं मैं, वो 1 मिनट में फैसला बदल देगा, क्योंकि वो जो अकेलापन है ना उसको खा जाता है, अकेलापन खाता है। मैं कहता हूं ये बातें आपको, वही नहीं करेगा गलत काम। किसी को मारना है ना, विचारों से नहीं, शरीर से नहीं, ताकत से नहीं, शब्दों से नहीं, प्यार से जोड़ो, नहीं पड़ता है नमस्कार करो, दूर हट जाओ। लेकिन कोई भी क्रुएलिटी, कोई भी आक्रामकता, कोई भी किसी के ऊपर प्रहार, और शब्द एक बात से याद रखना, शब्द जोड़ते हैं भाई, शब्द तोड़ते भी है, और शब्द जख्म देते हैं, सख्त दिल भी भरते हैं। लेकिन अपने को शांत रहना पड़ेगा हमेशा, शांत पानी में ही चेहरा दिखे, हलते हुए पानी में नहीं दिखे। इसी प्रकार शांत मन भी अच्छा कार्य कर सकता है। अर्जुन जब दुखी हुआ और उसने कहा, भगवान मैं क्यों लड़ू? तो भगवान ने कहा, तू पहले शांत हो और फिर तुझे लड़ना है। जीवन में मैं आपको भी कहता हूं, कभी कभी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला लोग डिप्रेशन में क्यों जाते, क्या लाए थे आप, किस बात का दुख जता रहे हो? और जो कर रहा है ना वो भगवान कर रहा है आपके लिए, आप चिंता मत करो, सिर्फ अच्छा कर्म करो, फल अच्छा मिलेगा। आपको पता है, आप कभी अपनी चक्की देखिए, आटा बनते हैं, जो डालोगे वही निकलने वाला, गेहूं डालोगे गेहूं का आटा आएगा, ज्वार डालोगे ज्वार का आटा आएगा, बाजरा डालोगे बाजरा का आटा आएगा, जो डालोगे अगर उसमें आप रेड डालोगे तो भट्टी आएगी। कहना इतना ही है कि जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आने वाला है, लक्ष्य इतना ही है। साई वाणी सुनोगे, साई ध्यान करोगे, साई क्रिया करोगे, अच्छे तरह से फ्रेश रहोगे, जीवन का इकिगाई मतलब लक्ष्य तय करोगे, और हर दिन सुबह प्राणायाम करने से, साई क्रिया करने से, साई ध्यान करने से जीवन में ऊर्जा भर के अपने शरीर को, इस कुरुक्षेत्र को पवित्र करके आखिरी में पांडव जीतेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने और साई बाबा ने कहा है, जहां सत्य का मार्ग है और जहां प्रारंभ करो और जारी रखने का तरीका है, आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बाहर से कोई बुरे विचार नहीं आते। देखो, मन तो विचारों से भरा है। हमारे जीवन में सूर्य को धरती पर आने के लिए किरणों को टाइम लगता है, लेकिन मन को नहीं लगता, 1 मिनट में मन सूर्य के पास पहुंच जाता है। सबसे तेज है मन, मन की शक्ति कितनी बड़ी होगी। अनुरेणु या थोकड़ा तुका आकाश आए वड़ा, अनुरेणु जो है वो भी कम पड़ेगा,
एक अणु में इतनी ताकत है कि हिरोशिमा नागासाकी में डालने के बाद 100,000 लोग मर गए। भाई और बहनों, किसी को अगर 500 साल 1000 साल पहले कोई बताता ऐसे एक छोटे से अणु से इतना संहार होगा, किसी का विश्वास नहीं होगा। उसी प्रकार की शक्ति है इंसान और भाई और बहन में, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो शक्ति उनके विचारों में है, वो शक्ति उनके कृति में है, वो शक्ति उनके शरीर में है, वो शक्ति उनके मन में है। लेकिन वो क्या सोचता है, हम 90% टाइम हमारा दूसरों के लिए बर्बाद करते हैं। उसका अच्छा हुआ इसको बुरा लगता है, उसने अच्छा किया इसको दिन भर बुरा लगता है। अपना बुरा हुआ इसका दुख नहीं है, दूसरे का अच्छा होने का ज्यादा दुख है लोगों को। ये बात मैं जो सच्चाई के साथ कह रहा हूं ना, थोड़ी कड़वी है भाई और बहनों, लेकिन जो साई का भक्त होगा वो कहेगा, हे साई, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहू साधु भी भूखा ना जाए, मैं भी भूखा मत रह साधु को भी भूखा मत जाने दे। अरे कितना बड़ा विश्व का विचार, हम हमारे देश में यही बात को भूल रहे हैं। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने का सोचते हैं। अंटे ललाले साहब को समझ में नहीं आता, भाई और बहनों आखिरी में आपका भी नुकसान है, वो सेक के लिए ऐसा हो रहा है, जिस डाली पे आप बैठ रहे हो उसी पेड़ को काट रहे हो, डाली नीचे गिरी कि आप भी गिरोगे, क्योंकि दूसरों का बुरा करने से आपका कभी भला नहीं होगा और कभी होगा। जो भला चाहता है ना दूसरे का, याद रखना खुद का ऑटोमेटिकली भला हो जाता है। और दूसरे के लिए एक चीज अच्छी करके तबीयत से तो देख यारो, फिर जिंदगी बदल जाए। लेकिन वो स्वार्थ वाली भावना कर बंद नहीं बाधिकार माँ भले ही शुभ कदा और यदा यदा ही धर्मच ग्लानी भाव की भारत। क्या होता है, कौन सी ग्लानी, आज ग्लानी आई है नकारात्मक, आज ग्लानी आई है ये इंटरनेट और रील्स देखने के देख के टाइम बर्बाद करने की, आज ग्लानी आई है कुछ ना करने की। और आज भी भारत हजारों करोड़ लोग आज भी भूखे बीमार है, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा नहीं है, और जो ऊर्जावान है वो अपना ही सोच रहे, अपनों का नहीं सोच रहे। आज एक सोच तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं, अपना मेरा मेरा मत सोचो, अपनों का सोचो। और जब अपना मेरा अपना हो जाता है ना, मजा आता है जिंदगी। अब अकेले का फायदा करने के सोचोगे कभी नहीं होगा, आखिर में शुरू में लगेगा मैं बढ़ रहा हूं। एक दिन आपकी नाव डूब जाएगी, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि इमेजिन करो, इस पूरे धरती पर आप अकेले रह गए, कौन सुनेगा आपको, कौन देखेगा आपको, कौन चाहेगा आपको, कौन मानेगा आपको, पागल होके बाप भी मर जाओगे। आप जिस भाईचारे में रह रहे हो उसी में मिल बांट के रहो। देखो बगीचे में कितने प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, और सब फूल और पेड़ बन के ही बगीचा बनता है, और फिर वो सुंदर दिखता है। एक ही फूल होगा तो सुंदर दिखेगा बगीचा, नहीं दिखेगा। जिंदगी में भी वैसे ही है, हमारे साथ आप लोगों का। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज खासकर मैं ज्यादातर कुछ उठपटांग न्यूज नहीं पढ़ता हूं, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की अच्छी न्यूज है मैं पढ़ना पसंद करता हूं। क्योंकि हम जो खोपड़ी में मन में जो डालते हैं ना, वही हम विचार करते हैं, और उसी से हमारी विचारधारा बनती है। हजारों करोड़ों लोगों को मुझे ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं, मेरे सेमिनार्स रहते हैं, मैं लोगों से इंडिविजुअली लेवल पे गाइडेंस करता हूँ, बातचीत करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। कुछ मेरे प्रश्न उत्तर होते हैं तो उन समय उनको मैं अपने बहुत सारी जीवन की निजी समस्याओं के प्रति मैं उत्तर देता हूँ, और लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मजा करते हैं, खुश रहते हैं, जीवन में क्रांति करते हैं। जो थके मांझे वो उठ के काम करने लगते हैं, जो फेल हुए थे वो सक्सेस होने के तौर पर चलते हैं, जिनका कारोबार कम था वो बढ़ गया, वो और खुश हो गए, और खुशी हुई। लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ, देखो याद रखना, ये दिन भी जाएंगे, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा दुखी मत हो, बैलेंस रहो लाइफ। और बैलेंस रहना जिसको आ गए ना, वो जिंदगी में आखिरी तक पहुंच जाए। क्योंकि कहानी ये यहां खत्म नहीं होती भाई, कहानी जीवन में परमात्मा की आस, मतलब साई की आस, और मेरा गुरु के ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ सबूरी जीवन सक्सेस। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा वायबल हो रही है, श्रद्धा के ऊपर पूरा डेडिकेशन नहीं है, या ना फेथ है पूरा, तो आप दुखी हो जाओगे। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा फेथ मुझ पर ही नहीं है, आप किसी के ऊपर फेथ रखने के लायक नहीं बनोगे, क्योंकि आप जो सोचते हो वही पाना चाहते हो। अहम ब्रह्म अस्मि, जो हमारा ब्रह्म है, वो शरीर हमारा ब्रह्म है, वो शक्ति है, वो एक भक्ति है, वो एक ताकत है, वो एक योद्धापन है, उसी को पाने का लक्ष्य होना चाहिए, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, जो आएगी, जोड़ेगी, मान सम्मान देगी, लेकिन क्रांति करने के बाद बदलाव लाएगी। और क्रांति एक दिन नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती। क्रांति एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। लक्ष्य रखो कुछ पाने का, कुछ
जिंदगी में सपने होने चाहिए। साईवानी ट्रस्ट.org ई-कॉमर्स लेके आए आपके लिए बहुत सारी मदद। ये मेरा लक्ष्य क्या है पता है, कि भारत में हर गांव में हर बंदा अमीर बने, अमीर इन द सेंस सक्सेसफुल बने, एक योद्धा बने, एक ताकतवर बने, एक महान बने, एक शक्तिशाली बने और बहुत सारे लोगों को रोटी कपड़ा शिक्षा और आरोग्य और तो की मदद करे। क्योंकि ये पांच चीजें अगर आ गई ना जिंदगी में, आपको कोई आप भी नहीं हरा सकते। आपको जीतना है, आपको अपने जीवन में जीतना है, ना कि फेल होना है। और ये जीतने के लिए कुछ चंद बातें हैं, प्रारंभ करो, जारी रखो, श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक, ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साईवाणीट्रस्ट.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणीट्रस्ट.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है, यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो।